गुड मॉर्निंग गाइस। और अभी मैंने ब्लॉग इन किया है जाके वहाँ पे, और जो नया ब्लॉग था वो शुरू किया है। तो मैंने आपको जैसे कि बताया, आई डोंट नो कि अंदर है, ये जो बैंगन है ये भुन रहा है। उस ब्लॉग में मैंने आपको बताया था, तो ब्लॉग बैंगन भुन रहे हैं। रात के लिए चाय बन रही है मेरी। चाय मेरी सुबह की हमेशा ऐसी होती है कि जल जाती, पता नहीं क्या करती हूँ। उसके बाद थोड़ा बहुत जो हॉल है वो मैं क्लीन करती हूँ। वहाँ पे थोड़ा सामान जो आया था वो रखा हुआ है, और जो मेरा काम है वो हो जाएगा। बस मैं फटाफट जा रही हूँ काम करने। मेरे को ये लगता है कि जो काम है जल्दी निपट जाए तो अच्छा है। ओह, डंडी टूट जाए तो क्या करें। उसके अंदर मैंने लहसुन डाली हुई है, मतलब अंदर घुसा के रखी हुई है। ये बैंगन ऑलमोस्ट हो गया है। ये वाले बैंगन में भी मैंने लहसुन घुसा के रखी है और तेल लगा के रखा है वॉश करने के बाद। इससे क्या होता है, जो लहसुन का फ्लेवर है वो पूरे बैंगन में चला जाएगा, और जो बैंगन का टेस्ट है वो बहुत अच्छा आएगा। जो भरता है उसका जो टेस्ट है बहुत अच्छा आएगा। ना अभी लंच की तैयारी हो रही है, ना ब्रेकफास्ट की तैयारी हो रही है, डायरेक्ट डिनर की तैयारी हो रही है। सुबह के 10 बजे डिनर की तैयारी हो रही है। तो चलिए, मैं इसमें ठंडा पानी ले लिया मैंने। इसे पीने और अपनी नींद भगाने हैं। तो जस्ट मैंने शावर लिया है और अब मुझे लगी है भूख बहुत ज़ोर से। मैंने जो बैंगन थे वो पानी में डाल दिए, मुझको वो काम करना है। और मैंने आम भी उबाले हैं आम पन्ना के लिए। तो मैं आज जो काम है ना, थोड़ा सा ऑर्गेनाइज करने की कोशिश कर रही हूँ कि किस तरह से मैं थोड़ा सा रूटीन है वो सही कर सकती हूँ अपना। लाइक कि मेरे पर एकदम से पूरा बर्डन ना पड़े कि ये खाना फिर वो खाना फिर वो खाना, क्योंकि हम दो लोग हैं तो हम कुछ इस तरह से एडजस्ट कर सकते हैं। खाने में कोई कमी नहीं होनी चाहिए। तो मैं कुछ पहले से प्री प्रिपरेशन करी आज मैंने, और भी ज़्यादा बोले तो पिटोगे आप, तो पीछे ही पड़ गया है। तो यहाँ पर मैंने कुछ प्रिपरेशन करी है, और ये है आम। इन्हें अभी निकाल दो, सीटी अभी निकली है उसकी। और मैं अपने लिए चढ़ा रही हूँ दही वाले सैंडविच। मैं एक दो ब्रेड की सैंडविच बना रही हूँ। एक जगह पर मैं ऑयल रख रही हूँ ताकि मैं अपने कटहल का जो काम है वो भी कर पाऊँ। मैं कटहल बनाना है। ऑयल चढ़ा दिया गया है। अब मैंने दही निकाली है। दही मैं बहुत सारी रखती हूँ, मतलब दही कभी लस्सी छाछ, क्योंकि बोजो को ही मैं पतली एकदम पतली छाछ देती हूँ कि उसे थोड़ा सा अच्छा लगे पीने में। बोजो को भी कुछ खिलाना है क्योंकि बोजो खाना भी खाता है, बहुत बदतमीज है। उसे रोटी खिलाओ, कुछ भी खिलाओ, उन्हें कुछ नहीं खाना होता है। तो मैं 2 चम्मच दही लूंगी। इसे फेटूंगी, काफी अच्छी रहती है इससे। पता, थोड़ा सा दही की जो सख्त रहती है ना वो ठंडी रहती है, तो आप थोड़ी सी दही दे सकते हैं। मैं दूध प्योर नहीं, वो दूध नहीं पीता, बहुत दूध नहीं पीता। दही थोड़ी बहुत खा भी ले तो खा ले। वो नहीं खाओगी लो। और अब मैं इसमें थोड़ा सा पानी मिला दूंगी, मतलब इन शॉर्ट में एकदम पतला कर लेना इसे, एकदम छाछ टाइप। छाछ मैं लस्सी भी नहीं बोल रही, मैं छाछ बोल रही हूँ, मतलब एकदम पतला जो ये डाइजेस्ट भी कर पाए। आप देख सकते हैं बहुत पतला है ये। मैं जाके इसके बर्तन में डाल के आती हूँ इसे। ये हुआ बोजो का नाश्ता, बोजो का नाश्ता गर्मी का। अब ये दही में मैं डालूंगी नमक और कटी हुई हरी मिर्ची। धनिया मेरे पास है नहीं, वरना धनिया आप डालिए। बहुत आसान रेसिपी है, मैंने इस कुकिंग जो कुकिंग रूम में शेयर करी है। इसी को आप मलाई से भी रिप्लेस कर सकते हैं। मुझे मलाई वाले ही पसंद है, और मुझे मलाई वाले थोड़े से ज़्यादा अच्छे लगते हैं इससे।
बट मलाई हम लोग के पास रहती नहीं है, अगर मलाई रहेगी तो मैं शायद मलाई खाती होंगी, अच्छा है नहीं। अब मैं इसे मिलाऊंगी थोड़ा सा नमक, नमक नमक डाला है। आप ऑयल भी यूज कर सकते हैं या ऑलिव ऑयल भी यूज कर सकते हैं, थोड़ा सा घी है। अब मैं घी के गैस जलाई नहीं है, मैं घी के मेल्ट कर रही हूं। नेक्स्ट स्टेप में मैं इसमें राई डालूंगी, इसे बोलते हैं राई की दही वाली ब्रेड। और कुकिंग हमने ऐसी रखी पूरी पूरी, ये इतनी ही पूरी है, ज़्यादा कुछ नहीं है। सबसे अच्छा नाश्ता है। अगर रखे जो मुझे छीनने हैं या बैंगन भुने, तो आप देख सकते हो जब बैंगन भुनते ना गैस पे तो उसकी हालत कुछ ऐसी हो जाती है। तो मैंने अभी बालकनी धोई थी तो ये पाइप पड़ी यहाँ पे। बोई तुमने दही नहीं पी अपनी, चलोगी दही पियो लो, बेबी सो रहा है वो। मेरा नाश्ता गाइस, नाश्ता हमने कर लिया। आपने देखा कितना इंस्टेंट है, और मेरे को ये पता है आप इसे एक बार बनाएंगे ना तो आप इसे बार बार बनाएंगे, और आप ये बोलेंगे मुझे याद करेंगे जब भी इसे बनाएंगे। जैसे आपको भूख लगी हो, आपको 5 मिनट में कुछ खा, ये मैगी से भी तेज बनता है। सिर्फ दही चाहिए आपको, हरी मिर्च डालिए, धनिया है घर में, नमक और राई, फटाफट बनाइए, फटाफट खाइए, क्रिस्पी अच्छा टेस्टी नाश्ता। तो ये हो गया है मेरा। अभी मेरे को ना कुकिंग जोन की वीडियो है वो शेड्यूल करनी है, ब्लॉग जो है वो एडिट करना है, फिर खाना बनाने जाना है। तो पहले मैं जो ये वाले काम है वो निपटा लेती हूँ, क्योंकि फिर जो चीज़ें हैं वो लेट हो जाती हैं। तो ये करती हूँ मैं, उसके बाद फिर हम लोग आएगा जो व्लॉग है वो कंटिन्यू करेंगे। हो रहे हैं, कलर दिख रहा है कुछ। सो गाइस, इन्हें पता आए और फटाफट पर खाना डालो, खाना डालो, खाना डालो। कैसा लगा खाना आपको? एक नंबर, कटहल बनाया था, कटहल स्वादिष्ट, और रायता बनाया था मैंने, आम पन्ना भी बनाया था, भूल गया वो ले लो छोटा। आम पन्ना भी मैंने तैयार करके रख दिया। तो चलिए इनको मैं वापस भेज रही हूँ ऑफिस। बाय 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 बाय। गाइस, अभी मैं जा रही हूँ थोड़ा सा रेस्ट करने, बहुत सारा काम हो गया था, ब्लॉग भी एडिट हो गया, सब हो गया है। तो मैं ब्लॉग पब्लिश करती हूँ थोड़ी सी देर में, शेड्यूल करके रख रही हूँ उसे, और उसके बाद मैं अब थोड़ी देर एक नैप लूँगी क्योंकि काम बहुत हो गया था मुझे, और उसके बाद फिर आपसे मिलूँगी। और ये देखिए कोई बैठा हुआ है यहाँ पे। हाय, चलोगी चलोगी तुम, चले चले। ये बहुत बदतमीज है, इसने लस्सी नहीं पी। तुमने लस्सी नहीं पीना, लस्सी नहीं पीना तुमने। तो गाइस, मैं सो गई थी, और उसके बाद फिर राजा ने आके मुझे उठाया। मैं ऐसे सो गई थी, और ना मैंने फ़ैन चलाया ना मैंने एसी चलाया, पता नहीं कैसे नींद लग गई मेरी, और बहुत अच्छी नींद आता बोलते हैं ना, इत्मीनान की नींद। फिर मैं उठी हूँ, और बोजो को दवाई देनी है, और उसकी दवाई है वो है मल्टी विटामिन। हाँ, टाइम बोजो की दवाई टाइम। लो पिखाओ, हम बहुत बड़ा रखा होता है यार। कौन सी दवाई?
पता से लगता मैं सैलेड दे रही सैलेड बनाए तुम्हारे लिए तो सैलेड बना लीजिए गुड बॉय पता है ये पहले नाटक करता था अभी नाटक नहीं करता क्योंकि मैं इसे ऐसे सैलेड पिलाती हुई देखी क्या किया इसने इंजेक्शन बहुत ज्यादा टाइट है सही इंजेक्शन नहीं है तो मैं सैलेड देती थी देती हूँ कई बार तो इसलिए आराम से मुंह खोल के टेस्ट कर रहा है कि आए हाय मजा आ गया बट दवाई निकली हूँ तो गाइस चलिए मेरे को आटा गूंदना है सब्जी जो है कटहल की रखी है मैं और कुछ नहीं कर रही हूँ अभी और जो भरतू है भरतू अभी भरता है वो मैं कल करूंगी ये देख बोनी ने क्या किया तो चलते हैं थोड़ा काम देखते हैं मिस्टर मैंग जी तो आते नहीं ब्लॉग में बिल्कुल भी सो आर यू रेडी टू मतलब खाना खिलवाना हो गया क्या क्या हो गया तुम्हें कर आ रहे क्या मैं क्यों हूँ मैं बोला तू बंद बैठा रखा हो तो सामान आ नहीं पा रहा है ये चक्कर आ रहे कब आप कब दे रहे खुशखबरी बोलो इंजेक्शन साफ हो रहा है और क्योंकि वाला इंजेक्शन चल नहीं रहा मैं उसके लिए सैडलैक बना रही हूँ सैडलैक पिएगा सो गाइस इतने स्ट्रगल के बाद मुझे लगा कि भरता भी बना लेती हूँ तो मैंने भरता बना लिया क्योंकि कटहल की सब्जी पूरी नहीं थी मतलब दो लोगों को नहीं हो पाती तो मैंने भरता भी बना लिया है और साथ में मैंने बनाई है और साथ में मैंने रोटियाँ ही बना ली हैं तो ये रोटी कटहल और भरता हो गया तो खाना भी जो है वो मैंने क्या हुआ था मुझे लगा कि आज मैं पता बहुत कन्फ्यूज हो रही हूँ मेरे दिन में लगा कढ़ी खाते हैं मैंने कटहल बना लिया फिर मुझे लगा भरता नहीं बनाते फिर मैंने भरता बना लिया क्योंकि कटहल इतना था नहीं मेरे को याद नहीं था और फिर इतना हो गया है अभी वेट कर रहे हैं खाने का वेट कर रहे हो खाने का खाने का वेट कर रहे हो तो खाना लेके आते सो गाइस अभी मैं जो अपना फेस है वो क्लीन करूँगी तो मैंने अभी जो नेचुरल चीज़ें यूज़ कर रही थी ना वो मैंने अभी बंद कर दी है क्योंकि मुझे थोड़े से ना पिम्पल्स आ रहे हैं और उसका कारण मुझे नहीं मालूम है फिलहाल तो एक यहाँ है बहुत गंदा और एक यहाँ है बहुत गंदा तो अभी मैंने चार पांच दिन से कुछ चेंज किया है कि थोड़ा जो चेहरा है वो क्लीन हो जाए क्योंकि गर्मियों में मुझे पिंपल होते हैं सबसे ज़्यादा पिंपल्स मुझे होते हैं ना वो होते हैं बरसात में जब ह्यूमिडिटी हो जाती है ना तो मुझे यहाँ यहाँ ऐसे गंदे वाले पिंपल होते हैं आई थिंक आपको बरसात में दिखेंगे वो हाँ तो मैं अभी थोड़ा वोट्रे का सामान यूज़ कर रही हूँ और ये है वोट्रे का क्लिंजर उसके कारण हो गए पिंपल मेकअप पे सो गई थी ना अभी दो तीन दिन पहले नींद आ रही थी क्योंकि मेकअप करने के बाद मेकअप करने का नींद आती ही होती आप अपना स्किन हाँ आप अपना स्किन केयर रूटीन शेयर करिए ना स्किन केयर रूटीन नहीं मेरा आपकी फ्लॉलेस स्किन का राज क्या है चल झुटका फेयर एंड लवली कभी लगाई भी है पहले मुझे लगता था मैंने बचपन में लगाई थी मेरे को लगता था मैं क्या पता नहीं कि वो बचपन थोड़ा सा था ना कि हाँ यार ऐसे गोरे ऐसे में बहुत सारी क्रीम लाती थी गार्नियर की आती थी एक हॉस्टल टाइम में व्हाइट टोन मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है व्हाइट टोन मुझे नहीं पसंद है मैं लेके आई थी गार्नियर की थी वो लेमन वाली आती है ना येलो कलर की एक बॉटल आती है वो मैं हॉस्टल में लेके आती थी और गर्मियों में ना क्या बोले और कितना गोरा होना चाहती थी मतलब थोड़ा ऐसा लगता था ना कि उस टाइम मेकअप नहीं करते थे लगता अरे यार इनकी स्किन एकदम क्लीन क्लियर और उस टाइम पे स्किन में पिंपल्स ज्यादा होते हैं तो मैं लेके आई थी गार्नियर की येलो वाली उससे इतनी स्वेटिंग होती है उसे लगाने के बाद इतनी स्वेटिंग होती थी मुझे मतलब गर्मियों में तो उसे लगा नहीं सकते वो ऐसी येलो वाली लेमन की आती है वो तो वो लगाई फिर ठंड के लिए सही थी वो गर्मियों के लिए वाहियात थी वो रूप मंत्रा का मिक्स फ्रूट फेस वॉश स्किन टाइप के लिए सही है क्रीम कर लिया है टोनिंग मैं भी नहीं करूँगी आज
क्योंकि मुझे मेरा टोनर नहीं मिल रहा, पता नहीं कहाँ रहा, क्योंकि मेरा टोनर मुझे नहीं मिल रहा है। अब मैं वोट्री की 5-in-1 स्किन परफेक्टिंग क्रीम लूँ। लाइट क्यों चला जाता है उनका? अच्छी लाइट आ रही थी मेरे को। हाँ भाई, मेरा छोटा सा स्किन केयर रूटीन, और जहाँ मुझे पिंपल हुए हैं ना उसको ड्राई करने के लिए मैं ये मुल्तानी मिट्टी का फेस पैक है, पिंपल्स भी लगाऊंगी बस। ये बहुत अच्छे से काम करता है पिंपल्स, सुखा देता है पिंपल्स को। ये है फुलर अर्थ का, नेचुरल है, नो पैराबेन, नथिंग नेचुरल। तो ये दो जगह मुझे हुए हैं। सो गाइस, हो गया है और अब मैं सोने जा रही हूँ, क्योंकि ये क्योंकि अब परफेक्ट टाइम है सोने का, और मैं सोने की टाइमिंग सही कर रही हूँ अपनी। तो जो ब्लॉग है मैं लेट नाइट नहीं खींचा करूँगी, मेरे बहुत ऊपर नीचे हो जाते हैं ब्लॉग, क्योंकि अब मैं ब्लॉग सुबह से शूट करना शुरू कर रही हूँ, जिसमें रूटीन्स वगैरह भी आएंगे और व्हाट आई ईट इन अ डे सब कुछ आएगा। तो धीरे धीरे मैं सब कुछ इंक्लूड कर रही हूँ, फ्रिज क्लीनिंग से लेकर सब कुछ, कि थोड़ा ब्लॉग इंटरेस्टिंग हो पाए। और बाहर का कुछ पता नहीं, वीकेंड पे सोचते हो कहीं चलने की? हाँ चलिए, राजा जी लाडी मंकू, वीकेंड पे कहीं चलोगे घूमने? देखो बांधवगढ़ काना किसने कहेंगे टिकट मिलेगी? पॉसिबल नहीं है, पता आपको तूने और है क्या वीकेंड? इतना लंबा वीकेंड क्यों है? छुट्टी किस बात की है? सैटरडे फोर्थ सैटरडे, तो दो ही दिन तो हुए, मंडे भी है। सो चलिए अब मैं इस व्लॉग को करती हूँ एंड। देखते हैं कि क्या होता है, हम कहाँ जाते हैं, कहाँ जाते हैं, हमको कुछ नहीं बता रहे हैं ये। देखते हैं कहीं बन जाए, कहीं बांधवगढ़ या काना किसी की टिकट मिल जाती है तो देखते हैं, पक्का नहीं पता है, क्योंकि वो नहीं है। अरे दो तीन दिन पहले मई जून तक भी जुलाई बोनी को भी छेल दिखा देते हैं हम, बत्ती। सो चलिए अब मैं इस ब्लॉग को कर रही हूँ एंड, मैं आपसे मिलती हूँ कल विद अ न्यू वीडियो। ये देखिए वो खींच रही है बनियान, तब तक के लिए भाई इनके बाल आज थोड़े ऐसे ऐसे हो रहे कि शैम्पू कराएंगे आके। बाय बाय बाय, बीच में आना जरूरी है तुम्हारा।